नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हां दोस्तों, एसबीडी न्यूज पर सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दबंग छात्र अध्यक्ष रविंद्र सिंह फाटी के बारे में, जानेंगे उनके जीवन के बारे में और उनकी पढ़ाई कहां से शुरू हुई और अभी उनकी कहां पर पढ़ाई चल रही है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने तक की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में हम आपके सामने देने वाले हैं। तो ऐसे में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप रविंद्र सिंह भाटी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो आने वाले समय में एमएलए या एमपी बनेंगे, कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों इसके अलावा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का इतिहास भी आज ही के इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले रविंद्र सिंह का जीवन तो आपको बता दें, रविंद्र सिंह का जन्म बाड़मेर के दुदुड़ा गांव में 3 दिसंबर 1990 में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मयूर नोबेल एकेडमी बाड़मेर से पूरी की और उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई मोहनलाल सुखवाड़िया विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी, इसके बाद जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में 2015 से एलएलबी शुरू की और 2016 में यह राजनीति में सक्रिय हुए। रविंद्र सिंह भाटी मूल रूप से बाड़मेर के रहने वाले हैं और रविंद्र सिंह विवाहित भी हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जातिवाद से कोसों दूर रविंद्र सिंह भाटी आज पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़े विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इतिहास भी बनाया था। आपको बता दें कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में 57 साल का इतिहास तोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजय भी हुई, सभी को चौंका दिया। सरल स्वभाव के रविंद्र सिंह विश्वविद्यालय में रुके हुए और अटके हुए कामों को करवाने के लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति से कई बार आपस में झगड़ते हुए भी नजर आए हैं। सभी समाज के छात्रों को अपने साथ लेकर रविंद्र सिंह स्वाभाविक विशेष धनी है और मार्गदर्शन से आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे भी बढ़ चुके हैं। आपको बता दें रविंद्र सिंह जो 30 वर्ष के हैं और उन्हें जेएनयू किंग भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें रविंद्र सिंह विवाहित भी हैं और अगर उनकी भाषा की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और मायड़ भाषा सब बोलते हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होने के बावजूद रविंद्र सिंह अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं और वही भाषा उनको एक तरीके से अलग प्रदर्शित करती है। दोस्तों आपको रविंद्र सिंह की भाषा कैसी लगती है, कमेंट जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। उन्हें अपनी मातृभाषा की इतना लगाव है कि जब भी कई भाषण देते हैं तो किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो मंच पर अपनी मातृभाषा में भाषण देते हैं। वैसे भी हमारे राजस्थान में मायड़ भाषा के शब्द इसीलिए मीठे होते हैं कि लोग इस भाषा का सुनना पसंद करते हैं। यह खूबी भी है रविंद्र सिंह जैसे एक महान शख्सियत की कि इस भाषा का अध्यक्ष होने के बावजूद भी उपयोग करते हैं और हमारे लिए गर्व की बात है। रविंद्र सिंह विश्वविद्यालय में कई बार जमीन के मुद्दों को लेकर भी आंदोलन किए तथा छात्रों की पढ़ाई के विषयों पर भी काफी ज्यादा जोर दिया। कई बार विश्वविद्यालय में कुलपति को शिकायत करते हुए भी देखे गए। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि बाड़मेर जिले पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनेगा, परंतु इनकी ईमानदारी और निष्ठा के कारण छात्रों ने 57 साल के लंबे इंतजार के बाद निर्दलीय उम्मीदवार को अध्यक्ष बनाया। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी जो कि काफी चर्चाओं में भी हैं और कैसे रविंद्र सिंह भाटी अध्यक्ष बने वो सबसे महत्वपूर्ण है। रविंद्र सिंह ने अपने प्रारंभिक शिक्षा है वह बाड़मेर से की और उसके बाद मोहनलाल सुखवाड़िया विश्वविद्यालय में पढ़े, उसके बाद एलएलबी के लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में आए। 2016 में उन्होंने छात्रों के लिए राजनीतिक कदम रखा और उसके बाद छात्र हित में आवाज उठाने लगे। यहीं से उनका सफर की शुरुआत ही 2016 में जेएनवीयू अध्यक्ष कुरनाल सिंह के खास दोस्त भी रह चुके हैं रविंद्र सिंह भाटी, इसी वजह से इनके छात्रों के बीच अच्छी पहचान बनाई। रविंद्र सिंह भाटी और कुरनाल सिंह साथ में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। रविंद्र सिंह सभी समाज के छात्रों को साथ लेकर चलने और नीति रखते थे, यह सभी छात्रों को काफी ज्यादा प्रभावित किया। यह किसी भी समाज के छात्रों को छोटा बड़ा नहीं मानते थे, सभी समाज को साथ लेकर चलते थे। 2019 जेएनवीयू छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव करवाने समय आया तब कई छात्र अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हुए। अखिल भारतीय परिषद से रविंद्र सिंह भाटी ने उम्मीदवारी के लिए टिकट मांगा लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया क्योंकि अखिल भारतीय प्रत्याशी किसी और को बना दिया था और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ऐतिहासिक 1200
94 वोटों से जीत हासिल की। रविंदर सिंह ने अपनी जीत का पूरा सांबा उन छात्रों को दिया जो उनके साथ खड़े रहे और विश्वास जताने का उनको अध्यक्ष बनाया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी निर्दलीय उम्मीदवार ने इतने ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इसी विश्वविद्यालय में अशोक गहलोत और भारतीय जल संसद मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा हरीश चौधरी जैसे कई बड़े नेता शामिल हुए और वर्तमान में भारतीय कैबिनेट में शामिल कई लोग हैं जो इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा अर्जित करके जा चुके हैं। आपको बता दें आईटी मंत्री भी इसी विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा अर्जित की थी अश्विनी वैष्णव ने। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम किस लिए ऊंचा है। ऐसे में दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे नए तेजा प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।